टेक्निकल सिविल के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार वाले बिल्कुल सेफ और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम प्लिंथ बीम और ग्राउंड बीम को डिटेल में समझेंगे कि इनका मतलब क्या होता है, ये कहां और क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, इनके बीच का अंतर क्या होता है। इन सभी चीजों पर आज हम विस्तार में चर्चा करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए तो अब बात करते हैं प्लिंथ बीम और ग्राउंड बीम के बारे में। आप में से अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर प्लिंथ बीम तो ठीक है हमारे हर जगह प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ग्राउंड बीम कब प्रोवाइड करना चाहिए, ग्राउंड बीम क्या होता है, ग्राउंड बीम का अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका रीजन क्या होता है और ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां पर हमें ग्राउंड बीम को देना चाहिए। तो ऐसे कुछ रीजन या ऐसे कुछ कंफ्यूजन आपके हो गए, इसलिए अब हम उस पर बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज, हम एक छोटी सी सिचुएशन लेते हैं और सिचुएशन के हिसाब से चीजों को समझते हैं, ठीक है, वो आपके लिए ज्यादा आसान होगा। तो हम मान लेते हैं कि ये आपका एक लेवल है जिसको हम ग्राउंड लेवल कह देते हैं, ठीक है, ये आपका ग्राउंड लेवल है और हमें पता है कि ग्राउंड लेवल के नीचे हमारा फाउंडेशन होता है। तो हम इसको कंसिडर कर लेते हैं कि भाई ये हमारा कॉलम है जो कि ग्राउंड लेवल के नीचे है, ये हमारी फुटिंग है, ये हमारी स्लो फुटिंग है जो इसके नीचे हमने बना ली है। ये एग्जाम्पल आप मानिएगा, ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर समझ रहे हैं। तो ये हमारा है ग्राउंड लेवल जिसको हम थोड़ा सा मार्क कर देते इस तरह से, हमारी ये ग्राउंड लेवल है। ओके, अब ग्राउंड लेवल के ऊपर हमारे, हमें पता है कि प्लिंथ लेवल होता है, लेकिन यहां पर एक सिचुएशन आप ये भी समझिएगा कि ये हमारा ग्राउंड लेवल है, हमने देखा कि हमारा जो रोड लेवल है, ये जो रोड लेवल था ये ग्राउंड लेवल से कुछ ऊंचाई पर है, और कितनी ऊंचाई पर है तो हम एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि भाई ये जो है 1 फीट की ऊंचाई पर है। जनरली ऐसा कई सारी जगह पर होता है कि आपका जो प्लॉट है जहां पर आप कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हो वो आपके आसपास के जो रोड है उसके लेवल से डाउन होता है, और वो डाउन कितना है तो वो कहीं 1 फीट होता है, कहीं 1.5 फीट होता है, कहीं 6 इंच होता है, तो कहीं 2 फीट भी होता है। तो ये डिपेंड करता है साइड्स के ऊपर, ठीक है। तो हम ऐसी साइड्स की भी बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि वो 1 फीट नीचे है, ये हमारा रोड पास हो रहा है यहां से और रोड का लेवल हमारे ग्राउंड के लेवल से 1 फीट ऊंचा है, या फिर उसको हम दूसरी तरीके से बोल सकते हैं कि हमारा प्लॉट का लेवल रोड के लेवल से 1 फीट नीचे है, ठीक है, ये हमने देखा एक कंडीशन। अब हमें पता है कि हम जो हमारा सुपरस्ट्रक्चर बनाएंगे वो प्लिंथ लेवल के ऊपर बनाएंगे, यानी उसके पहले हमें प्लिंथ लेवल बनाने पड़ेगी, प्लिंथ लेवल कंप्लीट करनी पड़ेगी, प्लिंथ लेवल के ऊपर हम जाएंगे। अब प्लिंथ लेवल कहां कैसे बनती है तो ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए कि प्लिंथ लेवल हम रोड लेवल से कुछ फीट ऊपर बनाते हैं। अब ये डिपेंड करता है, कोई उसको 1.5 फीट ऊपर करता है, कोई 2 फीट ऊपर करता है, सिचुएशन के हिसाब से, है ना, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अलग अलग सबके साइड्स होती हैं, अलग अलग कंडीशंस होती हैं, तो अपनी अपनी कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए प्लिंथ लेवल की हाइट को तय किया जाता है। तो मान लेते हैं कि हम यहां पर हमारी प्लिंथ लेवल प्रोवाइड करवा रहे हैं 2 फीट की हाइट के ऊपर, रोड लेवल से 2 फीट की। अब आप कहोगे कि ये प्लिंथ लेवल हम 2 फीट या 1.5 फीट जो भी है हम ऊंची रखते क्यों है, हम क्यों उसको रोड लेवल के आसपास ही नहीं रख देते। तो देखिए इसका एक बहुत ही बेहतरीन रीजन होता है और बहुत इंपॉर्टेंट वो एक रीजन होता है कि जब भी आप प्लिंथ लेवल या अपना प्लिंथ लेवल बना रहे हो इसका मतलब उसके ऊपर जस्ट ऊपर आपका फ्लोरिंग आएगा, फ्लोर आ जाएगा पहला आपका, और फ्लोर मतलब आपका रूम, ठीक है, आपका घर वहां पर बन जाएगा, आपकी चलन फिरन उसके अंदर रहेगी, है ना, आपका यूटिलाइजेशन उसके अंदर रहेगा। तो अगर मान लीजिए कि हमारा फ्लोर लेवल बिल्कुल रोड लेवल के आसपास है तो अगर हैवी बारिश हो जाती है या मॉइस्चर कंडीशन ज्यादा बढ़ जाती है, वाटर टेबल हाई हो जाता है, तो डायरेक्टली इसका इम्पैक्ट आपके फ्लोर में पड़ेगा, आपके जो वॉल से उसमें पड़ेगा, आपको बहुत प्रॉब्लम्स वो क्रिएट करवाएगा इसके अंदर, क्योंकि अगर मान लीजिए हैवी बारिश हो गई तो पानी आपके घर में आ जाएगा, है ना, कुछ और प्रॉब्लम्स हैं तो वो आपके घर में आ जाएगी, कुछ और ऐसी चीजें हैं, डैम्पनेस है या मॉइस्चर चीजें हैं या फिर कोई कीड़े मकोड़े हैं या फिर धूल मिट्टी पत्थर वगैरह जो भी चीजें हैं, कचरा वगैरह, वो डायरेक्टली आपके घर में आ जाएगा, बिकॉज आपका फ्लोर लेवल और रोड लेवल एक ही तरह अभी लेवल पर है, तो इसलिए वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट करवा सकता है। इसलिए उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, और एक दूसरा रीजन ये भी है कि क्योंकि हमारे आसपास के जो रोड होते हैं उसकी समय समय पर, थोड़ी थोड़ी समय पर जो है उसके अंदर जो लेवलिंग वगैरह होती है, उसकी रिपेयरिंग वगैरह होती है, वो होती रहती है, तो उसमें होता क्या कि थोड़ी थोड़ी दिन के अंदर रोड की लेवल भी बढ़ती जाती है, जैसे कि ऊपर लेवलिंग हो रही है, दूसरा उसको रिपेयर वर्क हो रहा है ना, लेवलिंग हो रही है, तो उसका लेवल थोड़ा सा हल्का सा बढ़ जाता है, तो धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है, हाइट उसकी बढ़ती जाती है। तो ऐसा एक दिन ना आ जाए कि आपका रोड ऊपर हो जाए और प्लॉट आपका फ्लोर नीचे हो जाए, वो फर्दर आपके अंदर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा।
तो इन सब चीजों से बचने के लिए, भविष्य के बचाव के लिए हम क्या करते हैं, हमारी प्लिंथ को या हमारे फ्लोर को हमेशा रोड लेवल से कुछ फीट ऊपर ही रखते हैं, वो आपके लिए बेहतर होता है। तो हमने मान लीजिए यहां पर जो है प्लिंथ लेवल को 2 फीट ऊपर कर दिया, है ना। तो ये अब हमारी हो गई क्या, ये हमारी हो गई क्या, ये हमारी प्लिंथ लेवल हो गई, है ना। इसको हमारी प्लिंथ लेवल कह देते हैं। ये ग्राउंड लेवल हो गया, हम समझ रहे हैं ग्राउंड बीम और प्लिंथ बीम का कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो तो यहां पर हमारा प्लिंथ बीम है। अब देखो ये हमारा कॉलम है, ये तो हमारा कॉलम ऊपर भी कंटिन्यू होगा, ऑब्वियसली ये हमारा जाएगा बेस से तो ऊपर सुपर स्ट्रक्चर के अंदर कंटिन्यू होगा। ओके, हमने देखा कि हमारा जो ग्राउंड लेवल है वो रोड लेवल से 1 फीट नीचे है, और हमारा जो प्लिंथ लेवल है रोड लेवल से 2 फीट ऊंचा, मतलब हमारा ग्राउंड से लेकर प्लिंथ का डिस्टेंस कितना हो गया फिर, अब 3 फीट का हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहां पर ऊपर शुरुआत में जो है एक प्लिंथ बीम प्रोवाइड कर देते हैं। ये हमारा प्लिंथ बीम है, ये क्या है हमारा प्लिंथ बीम। प्लिंथ बीम क्यों कह रहे हैं इसको हम, क्योंकि ये प्लिंथ लेवल पर प्रोवाइड किया गया बीम है। पहली बात, ये प्लिंथ लेवल पर प्रोवाइड किया गया बीम है, इसलिए हम इसको प्लिंथ बीम कह रहे हैं। अब प्लिंथ बीम का फंक्शन यहां पर क्या है, हम क्यों दे रहे हैं, ऐसे ही नहीं दे रहे खुशी से। देखिए हम दे रहे हैं इसलिए क्योंकि यहां पर क्या होगा, ये प्लिंथ हमारा जब बनेगा मतलब हमारे सुपर स्ट्रक्चर का ये बेस बन रहा है। प्लिंथ मतलब हमारे सुपर स्ट्रक्चर का ये बेस होगा, इसके बाद नीचे लोड ट्रांसफर होगा। तो ये बेस अगर आपका इतना रिजिड नहीं हुआ, उतना फर्म नहीं हुआ, उतना स्टेबल नहीं हुआ कि जो लोड ऊपर से आ रहा है वो इजीली नीचे ट्रांसफर कर दे लोड को, या फिर अपने सुपर स्ट्रक्चर को एक यूनिफॉर्म बेस प्रोवाइड कर सके, तो आपके स्ट्रक्चर में बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं। अनइवन सेटलमेंट हो सकता है, क्रैकिंग हो सकती है, फेलियर हो सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है। और इन सब चीजों को ध्यान में रखकर हम क्या करते हैं, प्लिंथ बीम को यहां दे देते हैं। प्लिंथ बीम क्या करता है, आपके जो सुपर स्ट्रक्चर है ना उसको एक यूनिफॉर्म लेवल, एक फॉर्म या रिजिड लेवल देता है, और उसके अंदर अनइवन सेटलमेंट से बचाता है। उसके ऊपर जो लोड आ रहा है नीचे उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है नीचे, और एक स्टेबिलिटी, लेटरल स्टेबिलिटी उस स्ट्रक्चर को देता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर हम प्लिंथ बीम देते हैं, और हमारे जो मैसनरी वॉल्स आते हैं उनको भी एक फर्म और रिजिड और यूनिफॉर्म लेवल देने के लिए ये प्लिंथ बीम काम आता है। तो इन सब चीजों को यहाँ पर यूटिलाइज करने के लिए, इन सब चीजों का प्रोविजन देने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्लिंथ बीम को लगा देते हैं। इसकी साइजेस डिपेंड कर सकती है, 9x12 पे भी कोई देता है, कोई 9x18 देता है, तो वो अपने अपने जो डिजाइनर्स होते हैं उनकी सिचुएशन, उनकी लोडिंग के हिसाब से वो प्लिंथ बीम को देते हैं। ओके, तो ये हमने देखा प्लिंथ बीम का कॉन्सेप्ट क्या है, कि भाई प्लिंथ बीम कहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है और इसका क्या रीजन है, ये हमने अच्छी तरह से देख लिया। ओके, अब प्लिंथ बीम के बाद हम क्या करते हैं, उसकी जब नीचे आते हैं तो हम प्लिंथ बीम के नीचे क्या हो रहा है, बेसिकली यहां पर भराई हो रही है, यहां पर मिट्टी की भर्ती होती है ना, इसको हम, ये जो पोर्शन है यहां पर क्या होगा, भर्ती होगी। अब भर्ती यहां पर कोई मुरम करता है, कोई मिट्टी करता है, कोई रेती, अलग अलग लेयर में करता है ना, तो यहां पर बेसिकली भर्ती हो रही है। अब ये भर्ती हो रही है और हमने देखा कि भैया ये क्या है, ये हमारा रोड लेवल है, ये हमारा क्या रोड लेवल है, ये हमने बीम तो दे दिया है ना, ये हमने बीम तो दे दिया कॉलम से कनेक्ट करके, पूरे हमने बीम दे दिए, लेकिन अब हमने अगर यहां भर्ती करनी है तो यहां जो मिट्टी होगी अगर हमने इसको यहां नहीं रोका तो ये मिट्टी क्या होगी, यहां से बाहर जाने की चांसेस पूरी हो जाएगी मिट्टी के, है ना, पूरे चांसेस है कि वो मिट्टी जैसे उस पर लोड आएगा वैसे यहां से बाहर निकल जाएगी, क्योंकि वो मूव हो जाएगी, वो वहां से उसका इरोजन हो जाएगा, और जैसी इरोजन होगा, जैसी यहां मूव होगी वैसे यहां पर सेटलमेंट हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी यहां से जब बाहर निकल रही है तो यहां से सेटलमेंट होना स्वाभाविक है ना, बिल्कुल ऑब्वियस है, तो ये सेटलमेंट हो जाएगा। तो इस सेटलमेंट को रोकने के लिए, मिट्टी को अंदर ही अंदर रिटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर एक ब्रिक वॉल का प्रोविजन देते हैं। यहां पर हम क्या करते हैं, ब्रिक वॉल दे देते हैं। ये हमारी क्या है, ये ब्रिक वॉल हम दे रहे हैं, बात समझ रही है आपको, ये हमने क्या किया, ब्रिक वॉल। ब्रिक वॉल का यहां रीजन क्या रहेगा, मेन ब्रिक वॉल का रीजन यहां पर ये रहेगा कि भाई अंदर की जो मिट्टी है उसको अंदर ही पकड़े रखें, वो कहीं बाहर ना निकल जाए, है ना, इसलिए हम उसको यहां पर ब्रिक वॉल को देते हैं पेरिफेरी के अंदर। ये ब्रिक वॉल जनरली पेरिफेरी के अंदर दी जाती है, ठीक है। तो ये ब्रिक वॉल हमने पेरिफेरी में दे दी, हमने देखा कि ब्रिक वॉल दे दिया तो अब मिट्टी अंदर रहेगी, बाहर नहीं जाएगी, है ना, चलो तो बहुत बढ़िया। लेकिन अब हमने ये देख लिया कि भाई ऊपर तो सेफ हमने कर लिया पूरा, मिट्टी भी बाहर नहीं जाएगी, बीम भी प्रॉपरली है, और ऊपर से लोड आएगा तो वो बीम संभाल लेगा। लेकिन जब नीचे हम देखते हैं यहां पर, और ये ऐसी सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूं जहां पर जो सॉइल है वो थोड़ी सी लूज टाइप की है और क्ले ही एक्सपांसिव नेचर की है ना, तो प्रॉब्लमेटिक सॉइल है, मतलब सॉइल है, मतलब है ना, वो यहाँ पर ऐसा कोई ये मजबूत सॉइल नहीं है, या फिर ये यहाँ पर कोई मुरम आपको बीच में बॉटम में नहीं मिल रहा है,
हार्ड स्टार्टअप आपको नहीं मिल रहा है या फिर ये कोई हिली रीजन नहीं है। हिली रीजन जो जनरली पहाड़ों पे होते हैं ना, वहां पर क्या होता है कि सॉइल काफी मजबूत होती है और वहां पर कई जगह तो फाउंडेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसी सॉइल की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं सॉइल की बात कर रहा हूं कि जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल है। तो मान लीजिए कि यहाँ ये प्रॉब्लमेटिक सॉइल है और इस सॉइल के अंदर हमने देखा कि यहां पर हमने एक वॉल प्रोवाइड कर दी है, हमने यहां पर क्या वॉल प्रोवाइड की, लेकिन यहां नीचे जो है ये वॉल हमने जो प्रोवाइड की है, ये वॉल अभी कहाँ टिकी हुई है, अभी हमारे सॉइल पे टिकी हुई है ना। मान लीजिए कि हमारी सॉइल पे ही वॉल हमने टिका दी है, अब क्या होगा भविष्य में, मान लीजिए कि यहाँ ये जो बीम है हल्का सा लोड यहाँ ट्रांसफर हुआ, छोटा मोटा लोड तो होगा ये वॉल के ऊपर है ना, ना सही तो उसका खुद का सेल्फ वेट होगा या कोई लेटरल मूवमेंट हो जाती है, तो सॉइल अगर सॉइल पे थोड़ा सा भी लोड आएगा वॉल की तरफ से तो ये सॉइल सेटल हो जाएगी या मूव हो जाएगी, यहां से इसका सेटलमेंट होगा। इसका सेटलमेंट हुआ इसका मतलब ये पूरा अनइवन हो जाएगा, यानी ये पूरा अनइवन सेटलमेंट हो जाएगा इसका, क्योंकि वॉल का तो मतलब रहा नहीं फिर, जब नीचे की वॉल का नीचे का बेस ही खिसक गया, वो बेस ही रिजिड नहीं है, वो बेस ही आपका उतना मजबूत नहीं है कि इसके आने वाले लोड को या इसके आने वाली चीजों को सहन कर सके, तो वो जो आपकी वॉल है वो डायरेक्ट नीचे आ जाएगी है ना। तो हो सकता है आपका बीम भी नीचे आ जाए, आपका स्ट्रक्चर नीचे आ जाए, तो ये काफी अनइवन सेटलमेंट और प्रॉब्लम्स को क्रिएट करवा सकता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला रीजन मैं आपको बता रहा हूं कि इस सेटलमेंट को रोकने के लिए और ये जो वॉल हम दे रहे हैं इसको प्रॉपरली लॉक करने के लिए, इसको स्टेबल करने के लिए, इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहां पर एक और बीम प्रोवाइड कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक और बीम को दे रहे हैं, और ये जो बीम हमने दिया है इसको हम नाम देंगे ग्राउंड बीम। हमने इसको ग्राउंड बीम क्यों दिया नाम, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल पर प्रोवाइड किया हुआ बीम है, इसलिए ये ग्राउंड बीम है। अब इस ग्राउंड बीम का पहला फंक्शन तो हमने देखा, इसका पहला कारण हमने देखा कि भाई नीचे बॉटम में स्टेबिलिटी देने के लिए और अच्छी तरह से इसको फर्म पकड़ देने के लिए हमने क्या किया, बेस देने के लिए ये ग्राउंड बीम को दे दिया है। दूसरी बात, अब इसके देखो फायदे क्या क्या होते हैं, हमने क्या किया यहाँ पर बीम दे दिया, इसका मतलब ये दीवार यहाँ पर अब ऊपर से और नीचे से पूरी तरह से लॉक हो चुकी है, लॉक हुई है, इसका मतलब इसमें कहीं लोडिंग आती है तो आसानी से अब ये क्षमता है इसके अंदर इतनी कि वो ट्रांसफर करे और प्रॉपरली ये भी यहाँ पर अच्छी तरह से उसको पकड़ बनाए रखे। ठीक है, और ये इजिली ऐसे सेटल नहीं होगा नीचे, है ना, नीचे भी सॉइल हमें पता है लेकिन ये अब क्योंकि रिजिड है, फर्म है ना, अब ये अगर सेटल हो गया तो कैंटिलीवर के तौर पर एक्ट करेगा लेकिन ये सेटल नहीं होगा प्रॉपरली, है ना, इतनी आसानी से सेटल नहीं होगा ये। तो हमने क्या किया कि अब बीम प्रोवाइड कर दिया तो इसका मतलब ये इसके अंदर एक अच्छी स्टेबिलिटी आ गई, स्टेबिलिटी आ गई तो क्या हुआ, अंदर की सॉइल अब कहीं भी मूव नहीं होगी और ना ही अगर वो मूव हो जाती है तो ना ही ये वॉल भी आपके नीचे की तरफ मूव नहीं होगी, और अगर होगा भी तो एक इवन सेटलमेंट आपको देखने को मिलेगा, अनइवन सेटलमेंट देखने को इसमें नहीं मिलेगा, बहुत नहीं के बराबर चांसेस होते हैं इसके अंदर, ना के बराबर चांस होंगे कि वो अनइवन सेटलमेंट हो, ज्यादा चांस होंगे अगर सेटलमेंट इन केस होता है बहुत वर्स्ट कंडीशन में तो वो इवन सेटलमेंट ही इसके अंदर देखा जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आपके स्ट्रक्चर की सेफ्टी कहीं ना कहीं यहां पर इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है। ओके, उसके अलावा यहां पर अब जो ऊपर से लोड आ रहे हैं ना, अब जो ऊपर से यहां पर लोड आ रहे हैं कॉलम के ये वगैरह, इन लोड को प्रॉपरली यहां ग्राउंड में डिस्पर्स करने के लिए, ग्राउंड में उसको ट्रांसफर करने के लिए ये ग्राउंड बीम बहुत कारगर होता है। क्यों? क्योंकि देखो ऊपर से जब लोड आ रहा है और कॉलम यहां पर अगर बीच में यहां कोई भी उसका पकड़ या कोई भी उसको टाई करने के लिए ऐसा बीम नहीं दिया गया है तो हो सकता है कि ये जो ग्राउंड से बीम आ रहा है ये थोड़ा सा अपना लोड ट्रांसफर करता चले किसको, आसपास की सॉइल को। अब ये सॉइल तो लूज है क्योंकि ये आपकी कोई अर्थ सॉइल है नहीं, ये तो हमने ऊपर से डाली है, भर्ती की है इसके अंदर, तो ये लूज सॉइल, तो ये इसकी वजह से सेटलमेंट हो सकता है, इसकी वजह से क्रैक वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहां पर आपने एक बीम प्रोवाइड कर दिया, यहां पर आपने एक बीम प्रोवाइड कर दिया तो होगा क्या कि ये सीधा लोड यहां पर आएगा, ओके, और यहां से ट्रांसफर हो जाएगा और यहां कोई ऐसी लेटरल मूवमेंट नहीं मिलेगी जिसकी वजह से इस पूरे स्ट्रक्चर के बेस में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो। बात समझ आ रही है? तो इन सब चीजों को अल्टीमेटली हम कह सकते हैं ग्राउंड बीम इज प्रोवाइडेड टू प्रोवाइड द एडिशनल स्टेबिलिटी बिलो द बेस ऑफ द स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर का बिलो बेस मतलब सुपर स्ट्रक्चर ये है आपका, उसका बेस ये है और उसका फाउंडेशन ये है। बात समझ आ रही है? इसको जरा आप डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, बेस का मतलब फाउंडेशन मत समझिए मेरी बात कहने का मतलब, ये सुपर स्ट्रक्चर है उसके पीछे प्लिंथ मतलब उसका बेस और उसके नीचे ग्राउंड मतलब ये आपका फाउंडेशन। तो फाउंडेशन के ऊपर और सुपर स्ट्रक्चर के नीचे ये जो बीच का पोर्शन है यहां पर एक प्रॉपरली स्टेबिलिटी देने के लिए, उसको स्टेबल बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं यहां पर ग्राउंड बीम का प्रोविजन दे रहे हैं, और ये ऐसी जगह दे रहे हैं जहां पर सॉइल कंडीशन खराब है, सॉइल प्रॉब्लमेटिक है, वहां पर वाटर टेबल हाई है। एक वाटर टेबल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां प्ले करता है जब हम ग्राउंड बीम की बात करते हैं, जहां पर भी आपका वाटर टेबल हाई होता है तो वहां पर हमें ग्राउंड बीम देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वाटर टेबल हाई हुआ ग्राउंड बीम हमने नहीं दिया तो
सॉइल जो है नीचे की तरफ भी ड्रेन हो सकती है, सॉइल ड्रेन की प्रॉब्लम वहां ज्यादा आती है, तो उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, आपने भले ही यहां पर दे रखा है क्या दीवार अपनी, लेकिन सॉइल तो यहां से जा रही है पूरी, है ना। तो ये चीज को रोकने के लिए भी वाटर टेबल अगर हाई हो जाता है तो उसके लिए भी हमें क्या करना है, ऐसी लोकेशन पर ऐसी साइट पर हमें ग्राउंड बीम देना अनिवार्य हो जाता है। तो इन सब कारणों की वजह से हम क्या करते हैं, ग्राउंड बीम को देते हैं। अब मुझे लगता है आपको पिक्चर क्लियर हो चुका होगा कि ग्राउंड बीम हमें कहां देना है, क्यों देना है। अगर कोई बहुत रिजिड सॉइल है, बहुत अच्छी क्वालिटी के सॉइल है, मजबूत सॉइल है, या फिर ऐसा स्ट्राटा है जो बहुत ही ज्यादा मजबूत और फर्म है, तो फिर वहां पर आपको ग्राउंड बीम ना दे तो भी चलेगा। लेकिन अगर ऐसी जगह है जहां पर सॉइल लूज है, रोड लेवल भी आपकी अच्छी खासी ऊपर है और वहां पर आपका वाटर टेबल भी हाई है, देन एट दैट सिचुएशन और साइट यू मस्ट हैव टू प्रोवाइड अ ग्राउंड बीम देयर। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन थी जहां पर ग्राउंड बीम देने की जरूरत पड़ती है, और प्लिंथ बीम तो हमारा होता ही होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ग्राउंड बीम और प्लिंथ बीम का जो मतलब है और उनका जो मकसद है वो दोनों आपको समझ में आ गए होंगे, और इस एक्सप्लेनेशन से आपको ये तो क्लियर हो चुका होगा कि अब आपको ग्राउंड बीम कहां देना और कहां नहीं देना, क्योंकि कंफ्यूजन यही होता है कि ग्राउंड बीम कहां देना है और कहां नहीं देना है, तो ये भी आपका कंफ्यूजन मेरे ख्याल से दूर हो गया होगा। अगर वाकई में आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको इसको समझ में आया हो, वीडियो देखकर आपको चीज समझ में आई है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज की अपडेट्स और नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का पूरा ख्याल रखिए और टेक्निकल सिविल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।